स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम है सुदेश कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे एजुकेशन एकेडमी ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो है हमारा वो है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी गांठ मनाई जा रही है या मनाई गई थी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और 26 जनवरी के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन भारत में ध्वजारोहण होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इससे एक क्वेश्चन और बन रहा है मेरे दोस्तों, वो है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन राज्य में ध्वजारोहण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, जो है 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन और एक महात्मा गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है भारत में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। अब जो भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है यानी कि ऊपर ही ऊपर केसरिया और बीच में सफेद और नीचे नीचे जो हरा रंग है, यानी कि वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। इस प्रकार जिसने किया था ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि पिंकली वेंकैया ने भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन का तैयार किया था, यानी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण कहाँ करते हैं या 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को ध्वज रोहण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है स्वतंत्रता दिवस की 2021 की थीम क्या है, यानी स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि हमारा सी ऑप्शन है जो राइट का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर में कितनी तीलियाँ होती है, यानी कि हमारे भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसके चक्कर में कितनी तीलियाँ होती है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इसमें कुल 24 तीलियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2:3, यानी कि 8 क्वेश्चन जो हमारा था वो था, इसमें पहले लंबाई और बाद में चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, तो इसलिए हमने 3:2 कर दिया। और इस 9 क्वेश्चन में जो है हमारा पूछा गया है, पहले चौड़ाई को पूछा है और बाद में लंबाई को का अनुपात पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हम करेंगे वो है 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्कर का अस्तित्व कब अस्तित्व में आया, यानी पहले भारत के तिरंगे में चरखा होता था लेकिन उसको बदलकर कब भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्कर अशोक चक्र का अस्तित्व आया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 22 जुलाई 1947 को भारत के अलावा और कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता मानता है, यानी कि भारत के अलावा और कौन सा देश है या कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को अपनी तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ई, यानी कि उपयुक्त सभी भारत के अलावा 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में उत्तर कोरिया मनाता है, दक्षिण कोरिया मनाता है, बहरीन मनाता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो मनाता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ष में हम कब मनाते हैं राष्ट्रीय झंडा दिवस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 22 जुलाई, क्योंकि 22 जुलाई के दिन हमारे ध्वज में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को लगाया गया था या उसमें स्थापित किया गया था, इसलिए हर वर्ष 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। जो हमारा राष्ट्र जन गण मन
राष्ट्रीय गान है, उसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज के वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अंतिम जो क्वेश्चन होगा हमारा आज के वीडियो का, वो है 15 नंबर। ये है प्रश्न, क्या कह रहा है पंद्रह नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजगोपालचारी, यानी कि राजगोपालचारी जो थे, सी राजगोपालचारी जो थे, वो भारत के अंतिम जनरल गवर्नर जनरल थे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।